आईआईटी मंडी ने पोकर टेपवर्म के कारण होने वाली मिर्गी की बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन पर स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज और बायो इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित प्रसाद के नेतृत्व में शोध किया गया है। इसे शोध को पंजाब के दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों एवं हिमाचल प्रदेश के CSIR हिमालयन बायो रिसोर्सेज प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है। साधारण भाषा में कहें तो पोर्क टेपवर्म एक प्रकार का कीड़ा होता है जो शरीर के अंदर संक्रमणों के अलावा मस्तिष्क के गंभीर संक्रमण को फैलाता है। हालांकि मिर्गी बहुत से कारणों से होती है, लेकिन अध्ययन में पता चला है कि 45% मिर्गी की बीमारी पोर्क टेपवर्म के कारण होती है। डॉक्टर अमित प्रसाद ने बताया कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो इसकी रोकथाम में सहायक साबित होगी। यदि इस वैक्सीन को प्रोटेक्शन के तौर पर लगाया जाए तो पोर्क टेपवर्म के कारण होने वाली मिर्गी की बीमारी की संभावना कम हो जाएगी। वी हैव डेवलप्ड ए मल्टी एपिटोप काइमेरिक वैक्सीन फॉर ए डिजीज विच इज कॉल्ड न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। दिस डिजीज इज कॉज बाई द कॉमन टेपवर्म। द कॉमन टेपवर्म इट डजेंट ओनली अफेक्ट द इंटेस्टाइन। द एग्स ऑफ दिस पैरासाइट कैन विथ द वाटर और द फूड कैन गो टू द ब्रेन and causes epilepsy. And from one study of WHO, it is estimated that around 30% of the acquired epilepsy happens due to the infection of this neurocysticercosis in endemic areas. And in endemic area, India and Southeast Asia is a prominent one. So every year the government is spending so much money for deworming and to protect against all these kind of the helminthic infection. So problem is that deworming pills you have to take every year, and the outreach of this deworming is limited. Best way to protect against the infectious disease is vaccination. But as I said, that this disease is mostly prevalent in the endemic area, which are poor communities. So not much effort is given to develop a vaccine. So these diseases are called neglected disease. So in our recent study, what we have done that we have combined the strength of the proteomics and the developing field of immunoinformatics to design a multi-epitope vaccine which will be effective for the treatment or for the vaccination across the globe.